हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आ रखा हूँ पटियाला। मैं काम था प्रॉपर्टी के रिलेटेड ही, मान लो यहाँ पे बन रहे हैं इस तरह के शोरूम, तो वहाँ पे मैं फ्रेंड के साथ आ रखा हूँ। फ्रेंड यहाँ पे काम करता है, तो यहाँ पे बन रहे हैं शोरूम बड़े बड़े। इस तरह की मार्केट बनेगी यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसे काम चल रहा है, क्या किस तरह से बन रहा है, बेसिस का कैसे बन रहा है, वो अभी आपको दिखाता हूँ सब कुछ। तो मैं चलता हूँ अभी अंदर। अभी मैं हूँ पटियाला में पड़ता है ये बठिंडा हाईवे जो है, उस हाईवे पे बन रही है ये शोरूम, बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बन रहे हैं और कहाँ पे बन रही है। बहुत बड़ी मार्केट बन रही है ये। तो ये चल रहा है साइड में काम, पूरी साइड को आप देख सकते हो कितना एरिया है, बहुत सारा एरिया है। इस तरफ भी एरिया है और उस तरफ भी एरिया है। इस जो बिल्डिंग बन रही है ना, ये वाली बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के उधर भी एरिया है, काफ़ी सारा एरिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो बनेगा, इसका जो डिज़ाइन है, उसका जो बाहर लग रखे थे, मैंने अभी आपको दिखाया फ़ोटो में, दिख रहा था सेम वैसी मार्केट बनेगी यहाँ पे। मैं लेके चलता हूँ। अब ये है दूसरी वाली साइड, ये वाली साइड भी काफ़ी बड़ी है। देखो ये देखो, शोरूम बन रहे हैं, इस तरफ भी बन रहे हैं शोरूम, बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं भाई यहाँ पे। तो और साथ में आपको जियो का पंप भी दिख रहा होगा भाई। तो ये रहा हाईवे, पटियाला से आ रहा है, जा रहा है सीधा बठिंडा की तरफ। और मैंने कहा था ना फ़ोटो दिखाऊंगा, जो ये फ़ोटो है, ऐसी मार्केट बनेगी। देखो काफ़ी एडवांस मार्केट बनेगी, जैसे फ़ोटो में दिख रही है ना, अगर वैसी बनी तो काफ़ी एडवांस बनेगी भाई, एकदम जकात वाली बनेगी। काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे मार्केट देखने में। तो बाकी अभी आप देख सकते हो काम चल रहा है अंदर, काफ़ी सारे बोर्ड लगे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपनी इस मार्केट की। मुझे लग रहा है जो बनेगी आगे फ्यूचर में बनने वाली है, ये ऐसी बनने वाली है, देख सकते हो आप। काफ़ी सारा एरिया है, काफ़ी सारे एरिया में मार्केट बन रही है, बहुत बड़ा एरिया उन्होंने कवर कर रखा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पेड़ है और इस पेड़ पे कब्जा इस गिलहरी का, बहुत ही सुंदर सा एक गिलहरी का बच्चा सा लग रहा है मुझे। और पेड़ की भी मतलब इसने एकदम चारों क्या कहते हो सजावट लगा दी है पेड़ में पूरी, इस गिलहरी के बच्चे ने। और ये पेड़ भी बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। सिर्फ एक ही पेड़, दो पेड़ है यहाँ पे छोटे छोटे, एक ये इसके बगल में है भाई। और देख रहे गिलहरी का बच्चा कैसे यहाँ पे खेल रहा है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, इसी पेड़ पे है ये बच्चा, काफ़ी देर से इसी पेड़ पे बैठा हुआ है ये बच्चा गिलहरी का। वैसे तो आप पटियाला में पहुँच तो चुके, पर यहाँ पे गर्मी बहुत है, एकदम नेक्स्ट लेवल गर्मी है। और यहाँ पे अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे तो बिल्कुल ओपन सा एरिया है, और यहाँ पे तो गर्मी ने एकदम कहर बरसा रखा अपना भाई। चलो अपनी बात तो अलग है, चुप चले काम कर रहे हैं, वो देखो कैसे काम कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं अपना इतनी गर्मी में। अपना तो काम ही तो ढाई घंटे का यहाँ पर, उसको निकल जाएंगे हम, जो कर रहे हैं काम भाई उनके लिए सल्यूट है एक बार। और बाकी गर्मी यार, मौसम तो ख़राब है देख सकते हो वहाँ पर, बारिश पता नहीं बारिश क्यों नहीं मतलब प्रॉपरली हो रही है। एक बार प्रॉपरली बारिश हो जाएगी तो ठंड से थोड़ा सा क्या कहते हो राहत मिलेगी फिर, अदरवाइज़ तो गर्मी ख़तरनाक वाली हो रखी है भाई, ख़तरनाक गर्मी एकदम से, ऐसे मतलब एकदम उबलने वाली गर्मी है। उबल रहे हैं वैसे, देख रहे हो आप, उबल रखा हूँ पूरा का पूरा ही, मैं देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या, मैं ऑफिस है, ये बंद पड़ा है, और थोड़ा सा बना रखा है यहाँ पे पार्क, बाकी पीछे लोग भी रहते हैं, सोसाइटियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे भी काफ़ी सारी। ये रोड वैसे पटियाला से जाता है, पहले संगरूर बरनाला उसके बाद बठिंडा जाता है, ये जो हाईवे है इस हाईवे पे बनी हुई है सोसाइटियाँ, और यहाँ पे मार्केट बनी, मतलब फ्यूचर प्लान यहाँ का काफ़ी अच्छा तगड़ा प्लान है। इस रोड पर मिलेगा हाईवे अच्छा खासा कुछ बनेगा, इसलिए यहाँ पर ये मार्केट बन रही होगी, अदरवाइज तो क्यों ही बनाते। फ्यूचर का देखोगा यहाँ पर, अगर पब्लिक बढ़ेगी तभी तो मार्केट का फ़ायदा है, मार्केट आएगी तो पब्लिक भी धीरे धीरे बढ़ेगी ही। तो अभी चलता हूँ अंदर, चलता हूँ वापस भी जाने वाले हैं, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं बस, बाकी थोड़ा बहुत और देखते हैं कुछ अगर अलग दिखता है दिखाता हूँ आपको। जोरों शोर से काम चल रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो वहाँ पे जो लेबर है अपना प्रॉपरली काम कर रही है बिल्कुल धूप में, और काम को भी इन्होंने लगभग ख़त्म कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर रहते हैं लेबर जो यहाँ पर काम करती है, यहाँ पर रहते हैं वो सारे के सारे और पूरा दिन काम करते हैं यहाँ पर। बाकी और भी आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड भी काम पूरा हो चुका है यहाँ पे। ये जो क्या दिख रहा है अपना लेंटरी दिख रहा है, पीछे जो दिख रहा है ना, ये लेंटर काफ़ी मतलब लंबा है, ये मैंने ये वाला साइड तो मैंने आपको दिखाया, ये वाली साइड नहीं दिखाई पीछे वाली। और बाकी ये जो जिस पेड़ की मैं बात कर रहा था जहाँ पे गिलहरी का कब्जा है, वो ये वाला पेड़ है, इस पेड़ में गिलहरी भी रहती है। और पेड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब एकदम मौसम वाला पेड़ लग रहा है, ये रहा एक बड़ा वाला, पर ये दो ही पेड़ है यहाँ पर। और बाकी जो काम है, काम की जो वेल्ड क्वालिटी है, मतलब एकदम देखो ये जो नीचे रहता है ना, वो क्या कहते हैं कितना प्रॉपरली काम किया, मतलब एकदम अच्छे वाला लग रहा है, मतलब काम ना यहाँ पे, ये यह जो यहाँ से
जो पानी है नीचे से निकाला गया है, क्या कहते हैं, बोर्ड से निकाला गया है, और यहाँ से पानी पाइप के आगे कनेक्शन जा रहा है जहाँ जहाँ भी जिसको चाहिए वहाँ के लिए। और जो लेबर वालों के बच्चे हैं वो भी यहीं पे रहते हैं ऐसे ही। ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते। काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े थे तो अभी बोर्डिंग पीने का मन किया है तो जा रहे हैं मार्केट बोर्डिंग लेने। और साथ में भाई हैं यहाँ पे काम करते हैं। कौन से लेवल पे काम करते हैं? सिविल इंजीनियर। ये भाई हैं सिविल इंजीनियर। और कहाँ से बसी करें? आई बिलोंग टू हरिद्वार यूपी। हरिद्वार यूपी से हैं भाई? हरिद्वार यूपी। और पीछे बस आ रही है भाई हरिद्वार यूपी से हरदोई यूपी। हरदोई लखनऊ के। मैं हरिद्वार बोल रहा हूँ। हरिद्वार तो उत्तराखंड में है ना? हरदोई नहीं, हरदोई उत्तराखंड में है। हरदोई से हैं भाई, साथ जा रहे हैं मेरे मार्केट अभी जा रहे हैं कोल्डिंग लेने। तो क्योंकि कोल्डिंग इसलिए लेके जा रहे हैं कि आज गर्मी बहुत है बिल्कुल एकदम। कितना होगा टेम्परेचर यहाँ पे? यहाँ पे 48 के आसपास टेम्परेचर है भाई, देख लो गर्मी कितनी है। भाई गया है कोल्डिंग लेने, यहाँ पे काम करता है भाई, इंजीनियर लेवल पे काम करता है यहाँ पे। और बाकी गर्मी तो भाई नेक्स्ट लेवल है। अभी गाड़ियाँ बैठे हैं तब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला है भाई, गर्मी इतनी है नेक्स्ट लेवल गर्मी है। मैंने पहले ही आपको कहा है पटियाला में तो भाई मुझे लग रहा है चंडीगढ़ से भी ज़्यादा गर्मी है, मोहाली से ज़्यादा गर्मी है इस एरिया में। और यहाँ पे जहाँ पे काम है वहाँ पे तो बिल्कुल पेड़ भी कोई नहीं है, एकदम एक पेड़ है अभी देखना पूरी वीडियो में, एक दो पेड़ है छोटे, उन्हीं के नीचे बैठा हुआ था ऑफिस में। तो ऑफिस में बैठा नहीं मैंने, बाहर मैं देख रहा था अभी बंदे कैसे कैसे काम कर रहे हैं ना। और गर्मी को भी थोड़ा सा फील करना चाहिए था, मैंने गर्मी फील की यहाँ पे आज भी बहुत एकदम कड़ाकेदार गर्मी है। घर जाने का समय भी होने वाला है, अभी थोड़ी देर में घर निकलना है। टाइम 4:30 हो चुके हैं, 4:40 हो चुके हैं, घर पहुँचने में 1-1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे मेरे हिसाब से। तो घर निकलना चाहिए मेरे हिसाब से अभी, और चलना चाहिए अभी, गर्मी बहुत है, पसीने पसीने हो रखे हैं। घर जाके थोड़ा नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद जो भी काम है वो करते हैं। फाइनली घर पे पहुँच चुका हूँ, आज पूरा दिन पटियाला में ही निकल गया भाई। अब घर पे पहुँचो तो सुकून मिला है आके, पूरा दिन गर्मी ही बहुत थी आज तो। और अभी खाना पीना खाया, फ्रेश हुआ हूँ, बेड पे लेटा हूँ भाई, अभी बारी सोने की है और वीडियो को एंड करने की है। सो आज्ञा दे, अभी थक रखा हूँ पूरा आज, गर्मी बहुत ही आपके सामने है, कितना पसीना मुझे था आपको वीडियो में दिख रहा होगा। पहले वो मैं एक बात बोलना भूल ही गया कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें भाई। हाँ, और आज्ञा दें मुझे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।